और वाइट गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और पिछले तीन मैचेस हमने मिस कर दिए बिकॉज आई वॉज डूइंग समथिंग एल्स, आई वॉज ऑक्यूपाइड। आज हम बात करेंगे मैच नंबर 35, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के अंदर, विच मीन्स इट्स गोइंग टू बी डीसी वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद। तो बात करते हैं पहले सनराइजर्स की। वो आते हैं, वो मारते हैं, वो चले जाते हैं। और अब उनका टारगेट डीसी को हराना नहीं है। आई थिंक उनका टारगेट ये है कि कैसे 300 वाला मार्क को टिक कर दें। 20 ओवर में 300 रन, इट्स पॉसिबल एंड SRH हैज़ द कैपेबिलिटी टू डू दैट। सनराइजर्स की बैटिंग वी ऑल नो, हेनरिक क्लासन, ईडन माक्रम, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हु एल्स एम आई मिसिंग, अब्दुल समद और पीछे से पैट कमिंस भी। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैटिंग टीम है और ऑन पेपर्स के साथ साथ में फॉर्म भी इन सब की अमेजिंग चल रही है। बॉलिंग की अगर बात करें तो बॉलिंग है भुवनेश्वर कुमार, जयदेव उनादकर, टी नटराजन, पैट कमिंस स्वयं और मयंक मार्कंडे। मयंक मार्कंडे का स्पेशली वो स्पेल आरसीबी के अगेंस्ट, दैट आई थिंक वाज द डिफरेंस जब आरसीबी चेज कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने विराट कोहली को भी आउट किया और उसके बाद में एक विकेट और लिया। तो मयंक मार्कंडे की बॉलिंग वॉज द डिफरेंस इन दैट मैच। आई मीन दिस टीम इज लुकिंग सो गुड ऑन पेपर्स एज वेल एज द फॉर्म। डीसी की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो जेक फ्रेजर और कुलदीप के इंक्लूजन से डीसी अब बहुत बैलेंस लग रही है और ऐसा लग रहा है कि अब डीसी ने अपना वो कॉम्बिनेशन जो प्लेइंग 11 का है वो उनका अच्छे से सेट हो गया है। और जिस तरीके से पिछले दो मैचेस जीतते हुए आइए, जीटी को तो उन्होंने 89 पे ऑल आउट कर दिया, वो बहुत ही कॉन्फिडेंस बूस्टर था उनका पिछला मैच। अगर ओपनिंग पेयर की बात करें तो पृथ्वी शॉ के साथ में यूजुअली हमें डेविड वार्नर दिखते हैं, मगर अब डेविड वार्नर शायद नहीं होंगे। मिचेल मार्श क्या वापसी करेंगे, मिचेल मार्श आज वाले मैच में खेलेंगे या नहीं ये देखने वाली बात होगी। अगर वो आ जाता है मिचेल मार्श तो फिर ये बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग टीम हो जाएगी। जेक फ्रेजर अमेजिंग फायर पावर, व्हाट अ टैलेंट ही पजेस। SRH की बॉलिंग के सामने क्या फ्रेजर अपना वो इम्पैक्ट डालने में कामयाब होंगे या नहीं, क्योंकि द वे ही प्लेज इट सीम्स दैट वो बहुत रिस्की गेम खेल रहे हैं। उनको क्या वो मैच्योरिटी से मैच सिचुएशन के हिसाब से जो उनकी टीम उनसे एक्सपेक्ट करती है क्या वो डिलीवर कर सकते हैं। अगर इफ़ ही डज दैट, DC इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। DC को फिर रोकना बहुत मुश्किल होगा SRH के लिए भी। सो फ्रेजर बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऋषभ पंत स्टेबिलिटी देते हैं मिडिल ओवर्स में और कैप्टन्स इनिंग अभी तक खेली उन्होंने और आज के मैच में तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनिंग्स की दरकार होगी ऋषभ पंत को। DC के कैंप को ऋषभ पंत से बहुत उम्मीदें होगी। आज उनको कैप्टन स्नॉक फिर से खेलनी पड़ेगी और आज कैसा परफॉर्म करेंगे अंडर प्रेशर, क्योंकि SRH इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट। ट्रिस्टन स्टब्स हैज़ बीन दी अ विनिंग प्लेयर फॉर DC सो फार। जेक फ्रेजर के आने से पहले सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हाई स्ट्राइक रेट से रन बनाने की थी वो ट्रिस्टन स्टब्स पे थी और हमने देखा भी है उनके बड़ी इनिंग्स हाई स्ट्राइक रेट से। तो ट्रिस्टन स्टब्स इज अ वेरी इंपैक्टफुल प्लेयर फॉर DC। आज उनको भी अच्छा करना पड़ेगा अपने फिनिशिंग टचेस। अगर बैटिंग में ज़रूरत पड़ी तो उनको वो भी दिखाना पड़ेगा और अगर मिडल ओवर्स में उनकी जल्दी बैटिंग आती है तो ही नीड्स टू अगेन टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि गेम को एंड तक लेके जाएँ और विनिंग लाइन को क्रॉस करवाएं DC के। उसके बाद बॉलिंग की अगर बात करें तो बॉलिंग DC की बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। ईशांत शर्मा इज डूइंग सो गुड दिस ईयर। मुकेश कुमार बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं डेथ में। कुलदीप यादव इज अ विकेट टेकिंग ऑप्शन फॉर DC। खलील अहमद इज अमॉन्ग द टॉप 5 कंटेंडर्स फॉर पर्पल कैप। DC की बॉलिंग में एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा टैलेंट है, मगर क्या वो SRH के एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप को देख के क्या प्रेशर DC के बॉलर्स अपने दिमाग में लेंगे, बाउंड्रीज अगर उनको लग रही हो, उसके बाद में क्या वो अपना टेम्परमेंट लूज ना करके राइट एरियाज में अपने स्ट्रेंथ पे बॉलिंग क्या DC के बॉलर्स कर सकते हैं। दिस वुड बी अ रियली गुड कॉन्टेस्ट। DC और SRH के अंदर लग रहा होगा कि SRH बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, विच इन सम सेंस इज ट्रू, मगर DC इज नॉट अ टीम टू लुक डाउन अपॉन फॉर श्योर। DC वो टीम अब नहीं है जो जिनको आप हल्के में ले सकते हो। सो मेरा प्रेडिक्शन मैच नंबर 35 का DC वर्सेज SRH के अंदर है। मेरा मन तो DC कह रहा है, SRH का नाम इट पॉप्ड अप इन माई हेड, सो SRH इट इज। दैट्स वेरी डिप्लोमेटिक वे टू एंड दी वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट कीजिए हु इज गोइंग टू विन टुडेज मैच। तब तक के लिए राधे राधे।